हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कनाडा क्लास में स्वागत है। आज कनाडा बेसिक सीखते हैं। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कब नन्ना नन्ना दो का प्रयोग करना है, तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो सर्वनाम में कनाडा में मैं को नानू, तुम को नीनू, आपको नीवू अथवा ताऊ, वही हम को नाऊ बोलते हैं। मैं, नानू, तुम, नीनू, आप, नीवू अथवा ताऊ, वही हमको नाऊ बोलते हैं। तो वह जैसे हिंदी में कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो, एकवचन में हो, तब वह का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति तो पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, तो एकवचन में रहने से, और वस्तु या चीज तो दूर में हो वो एकवचन में रहने से, तो तीनों के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। मगर कनाडा में पुल्लिंग एकवचन में अलग, स्त्रीलिंग एकवचन में अलग, और वस्तु या चीज एकवचन में अलग बोला जाता है। तो पुल्लिंग एकवचन में व को अवनु, स्त्रीलिंग एकवचन में व को अवलु, वही वस्तु या चीज एकवचन में व को अदु बोला जाता है। तो पुल्लिंग एकवचन में अवनु, स्त्रीलिंग एकवचन में अवलु, वही वस्तु या चीज एकवचन में अदु बोला जाता है। तो इधर वस्तु या चीज तो अदर देन ह्यूमन बींग्स, वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, पहाड़ हो सकता है, तो कोई भी चीज हो सकता है। तो अदर देन ह्यूमन बींग्स, तो वस्तु या चीज एकवचन में रहने से अदु का प्रयोग किया जाता है। तो यह जैसे हिंदी में कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो, एकवचन में हो, तब यह का प्रयोग किया जाता है। तो कन्नड़ा में पुल्लिंग एकवचन में इवनु, स्त्रीलिंग एकवचन में इवलु, वही वस्तु या चीज एकवचन में इदु का प्रयोग किया जाता है। तो कन्नड़ा में इवनु पुल्लिंग एकवचन में, इवलु स्त्रीलिंग एकवचन में, वही इदु वस्तु या चीज एकवचन में प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए, तो लड़का, लड़का को कन्नड़ा में हुड़गा बोलते हैं। तो इधर लड़का पुल्लिंग एकवचन है, तो इसलिए कन्नड़ा में इधर व का जगह में अवनु का प्रयोग किया जा रहा है। तो व लड़का है, अवनु हुड़गा, तो इधर लड़का पुल्लिंग एकवचन है, तो इसलिए इधर व उसको कन्नड़ा में अवनु का प्रयोग किया जा रहा है। तो व लड़का है, अवनु हुड़गा, वही आप लड़की बोलेंगे, व लड़की है, तो लड़की स्त्रीलिंग एकवचन हो गया, तो इसलिए कन्नड़ा में व उसको अवलु का प्रयोग करते हैं। तो व लड़की है, अवलु हुड़गी, व लड़का है, अवनु हुड़गा, व लड़की है, अवलु हुड़गी। तो ये एकवचन पुल्लिंग में हो गया, ये एकवचन स्त्रीलिंग में हो गया। वही वस्तु या चीज एकवचन में आपको बोलना है, तो आप बोलना चाहेंगे व पेड़ है, तो पेड़ को कन्नड़ा में मरा बोलते हैं। तो पेड़ वस्तु या चीज में आता है, तो व पेड़ है, तो इधर व तो कन्नड़ा में अदु का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि पेड़ वस्तु या चीज है, तो इसलिए इधर अदु का प्रयोग किया जा रहा है। तो व पेड़ है, उसको कन्नड़ा में अदु मरा बोलते हैं। तो इधर व का जगह में यदि आप य का प्रयोग करना है, तो य लड़का है, तो इधर य तो इवनु का प्रयोग किया जाता है। तो य लड़का है, तो इवन हुड़गा, वही य लड़की है, तो इवल हुड़गी, वही य पेड़ है, तो पेड़ पास में है, आप बोलना चाह रहे य पेड़ है, तो कन्नड़ा में इदु मारा करके बोलते हैं। तो य लड़का है, इवनु हुड़गा, य लड़की है, इवलु हुड़गी, वही य पेड़ है, इदु मारा बोलते हैं। तो य किताब है, तो पास में किताब है, तो बोल रहे हैं य किताब है, तो य को इदु, किताब है पुस्तका, तो किताब को पुस्तका, तो य किताब है, इदु पुस्तका बोलते हैं। वे जैसे हिंदी में, तो वे को दो प्रकार का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। एक, कोई व्यक्ति दूर में हो, हम उनसे आदर से बोल रहे हैं, तब वे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो, बहुवचन में हो, तब वे का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह कन्नड़ा में अवरु, अवरु कोई व्यक्ति दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब अवरु का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा, कोई व्यक्ति दूर में हो, बहुवचन में हो, तब भी अवरु का प्रयोग किया जाता है। तो अवरु दो प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। एक, कोई व्यक्ति दूर में हो, तो व्यक्ति पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, तो दूर में हो, उनसे हम आदर से बात कर रहे हैं, तब अवरु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति दूर में हो, बहुवचन में हो, तब भी अवरु का प्रयोग किया जाता है। मगर वस्तु या चीज दूर में हो, बहुवचन में हो, तब अवु का प्रयोग किया जाता है। तो अवु वस्तु या चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई वस्तु या चीज दूर में हो, बहुवचन में हो, तब अवु का प्रयोग किया जाता है। तो आके, तो कोई महिला हो, दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं,
तब आके का प्रयोग किया जाता है। तो आता कोई व्यक्ति पुल्लिंग में हो, दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब आता का प्रयोग किया जाता है। तो आके कोई महिला दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब आके का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया स्त्रीलिंग में। वही आता कोई व्यक्ति दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब आता का प्रयोग किया जाता है। ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ये जैसा हिंदी में दो प्रकार का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। एक, कोई व्यक्ति पास में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब प्रयोग किया जाता है। दूसरा, व्यक्ति या वस्तु पास में हो, बहुवचन में हो, तब ये का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह कन्नड़ा में इवरु दो प्रकार का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। एक, कोई व्यक्ति पास में हो तो उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब ये का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति पास में हो, बहुवचन में हो, तब भी इवरु का प्रयोग किया जाता है। तो ये कन्नड़ा में इवरु तो दो प्रकार का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। एक, कोई व्यक्ति पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, पास में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं, तब इवरु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, पास में हो, बहुवचन में हो, तब भी इवरु का प्रयोग किया जाता है। वही वस्तु या चीज पास में हो, बहुवचन में हो, तब इवु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में बोलना है तो वे, अभी बोलना चाह रहे हैं वे लड़के हैं, तो इधर वे लड़के हैं, तो वे को कन्नड़ा में अवरु बोलते हैं, लड़के उसको हुड़गरु बोलते हैं। तो हुड़गा एक वचन में हो गया, तो हुड़गरु बहुवचन में हो गया। तो वे लड़के हैं तो उसको कन्नड़ा में अवरु हुड़गरु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे वे लड़कियां हैं, तो वे लड़कियां हैं, तो वे उधर अवरु बोलते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियां उसको कन्नड़ा में हुड़गियरु बोलते हैं। तो लड़की हुड़गी, लड़कियां हुड़गियरु, तो बहुवचन में हुड़गियरु बोलते हैं। तो वे लड़कियां हैं तो अवरु हुड़गियरु बोलते हैं। तो वे लड़के हैं अवरु हुड़गरु, वे लड़कियां हैं अवरु हुड़गियरु बोलते हैं। तो वही आप बोलना चाह रहे हैं ये लड़के हैं, तो ये लड़के हैं, तो ये को इवरु, लड़के हैं हुड़गरु, तो ये लड़के हैं इवरु हुड़गरु बोलते हैं। वही ये लड़कियां हैं तो कन्नड़ा में इवरु हुड़गियरु बोलते हैं। तो ये लड़कियां हैं इवरु हुड़गियरु। तो वे को कन्नड़ा में अवो का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पेड़ है, तो पेड़ है ये बहुवचन में हो गया। तो पेड़ को कन्नड़ा में मरा बोलते हैं, तो वही पेड़ बहुवचन में मरगळु बोलते हैं। तो वे पेड़ है अवो मरगळु। यदि आप बोलना चाह रहे ये पेड़ है, तब ये को इवो का प्रयोग किया जाता है, ये पेड़ है इवो मरगळु बोलते हैं। तो ये किताबें हैं, तो ये को इवो किताबें हैं पुस्तकगळु बोलते हैं। तो किताब को पुस्तका बोलते हैं, किताबें हैं पुस्तकगळु बोलते हैं। तो यह किताब है उसको इदु पुस्तका, ये किताबें हैं उसको इवो पुस्तकगळु बोलते हैं। तो कन्नड़ा में आ ई का प्रयोग भी किया जाता है, आ ई। तो वा वे को कन्नड़ा में आ करके प्रयोग किया जाता है, वही या ये को ई करके प्रयोग किया जाता है। तो आ का प्रयोग कब किया जाता है, कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो, कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तब उनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब आ का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति या वस्तु, तो कोई भी वचन में हो, कोई भी लिंग में हो, उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब आ का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ई, तो ई का प्रयोग कब किया जाता है, कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो, तो कोई भी वचन में हो, कोई भी लिंग में हो, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं या स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब ई का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो, कोई भी लिंग में हो, कोई भी वचन में हो, उसको हम पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं या स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब ई का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए, अभी वह लड़का खेल रहा है, तो एक लड़का खेल रहा है दूर में, तो उसको हम उस लड़का को स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं। तो वह लड़का, तो इधर कन्नड़ा में आ उड़गा करके बोलते हैं, उस पर्टिकुलर लड़का को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए इधर वह लड़का उसको कन्नड़ा में आ उड़गा बोलते हैं। खेल रहा है आड़ुतिद्दाने, तो खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया, तो इसलिए आड़ुतिद्दाने करके बोलते हैं। तो खेल को आड़ू बोलते हैं, खेल रहा है आड़ुतिद्दाने, तो वह लड़का खेल रहा है आ उड़गा आड़ुतिद्दाने, तो वही वह लड़की खेल रही है, तो उसको वह लड़की
तो आ उड़गी करके बोलते हैं, तो उस लड़की को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर आ का प्रयोग किया जा रहा है। तो वह लड़की खेल रही है, तो आ उड़गी आड़ुतिद्दाळे, अभी वे लड़के खेल रहे हैं, हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो लड़के उसको उड़गरु बोलते हैं, तो वे को आ करके प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वे लड़के, तो उस ग्रुप लड़के को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इधर आ का प्रयोग किया जा रहा है। तो वे लड़के खेल रहे हैं, तो इधर आ उड़गर आड़ुतिद्दारे बोलते हैं, तो वे लड़कियां खेल रहे हैं, तो उसको आ उड़गियरु आड़ुतिद्दारे, तो लड़कियां इधर हुड़गियरु बोलते हैं, तो उस ग्रुप लड़कियों को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए इधर वे को आ करके प्रयोग कर रहे हैं, तो वे लड़कियां खेल रहे हैं, तो आ उड़गियरु आड़ुतिद्दारे करके बोलते हैं। तो वही व का जगह में यदि य का प्रयोग करना है, तो यह लड़का खेल रहा है, तो पास में लड़का है, उसको हम स्पेसिफाई करके पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर य को कन्नड़ा में ई करके प्रयोग किया जा रहा है। तो लड़का हुड़गा खेल रहा है आड़ुतिद्दाने, तो यह लड़का खेल रहा है, उसको ई उड़गा आड़ुतिद्दाने करके बोलते हैं। तो यह लड़की खेल रही है, तो पास में लड़की है, उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर य का ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह लड़की खेल रही है, ई उड़गी आड़ुतिद्दाळे, तो ये लड़के खेल रहे हैं, तो बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये लड़के खेल रहे हैं, तो इधर ए को ई करके प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़के का ग्रुप को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो पास में है, तो इसलिए इधर ई का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये लड़के खेल रहे हैं, ई उड़गरु आड़ुतिद्दारे करके बोलते हैं। तो ये लड़कियां खेल रहे हैं, तो लड़कियां ते बहुवचन में हो गया, तो पास में लड़कियां खेल रहे हैं, तो इसलिए इधर ये को कन्नड़ा में ई करके प्रयोग किया जा रहा है। तो ये लड़कियां खेल रहे हैं, तो ई हुड़गियरु आड़ुतिद्दारे करके बोलते हैं। तो मेरा मेरी मेरे, तो मेरा मेरी मेरे, तो कन्नड़ा में नन्ना नन्नदु का प्रयोग किया जाता है, जैसा मेरा नाम, मेरी बहन, मेरे भाई, जब इस तरह का वाक्य में मेरा मेरी मेरे का प्रयोग होता है, तो कन्नड़ा में नन्ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी चीज मेरा है, मेरी है या मेरे है, तो कन्नड़ा में नन्नदु का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा नाम, मेरी बहन, मेरे भाई, जब इस तरह का वाक्य में मेरा मेरी मेरे का प्रयोग होता है, तो कन्नड़ा में नन्ना का प्रयोग होता है। वही कोई भी चीज मेरा है, मेरी है या मेरे हैं, तो कन्नड़ा में नन्नदु का प्रयोग होता है। तो उसी तरह तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तो कन्नड़ा में निन्ना का प्रयोग होता है। तो कोई भी चीज तुम्हारा है, तुम्हारे है, तुम्हारी है, उसको निन्नदु का प्रयोग किया जाता है। तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसको कन्नड़ा में निन्ना का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी चीज तुम्हारा है, तुम्हारे है, तुम्हारी है, तो उसको कन्नड़ा में निन्नदु का प्रयोग किया जाता है। वही आपका, आपकी, आपके, उसको कन्नड़ा में निम्मा अथवा तम्मा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका, आपकी, आपके, निम्मा, तम्मा का प्रयोग किया जाता है। वही कोई भी चीज आपका है, आपकी है और आपके हैं, उसको कन्नड़ा में निम्मदु अथवा तम्मदु का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज आपका है, आपकी है, आपके हैं, उसको कन्नड़ा में निम्मदु अथवा तम्मदु का प्रयोग किया जाता है। तो वही अमारा, अमारी, अमारे, उसको कन्नड़ा में नम्मा का प्रयोग किया जाता है। अमारा, अमारी, अमारे, उसको नम्मा का प्रयोग किया जाता है। वही कोई भी चीज अमारा है, अमारी है और अमारे है, तब नम्मदु का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी चीज अमारा है, अमारी है, अमारे है, उसको नम्मदु का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह उसका, उसकी, उसके, तो कन्नड़ा में एकवचन पुल्लिंग में अवना का प्रयोग होता है, तो एकवचन स्त्रीलिंग में अवला का प्रयोग होता है। तो उसका, उसकी, उसके, तो कन्नड़ा में अवना का प्रयोग एकवचन पुल्लिंग में किया जाता है, वही अवला का प्रयोग एकवचन स्त्रीलिंग में किया जाता है। तो कोई भी चीज उसका है, उसकी है या उसके है, तो एकवचन पुल्लिंग में अवनदु करके प्रयोग होता है, वही एकवचन स्त्रीलिंग में अवलदु का प्रयोग होता है। तो कोई भी चीज उसका है या उसकी है, उसके है, तो कन्नड़ा में अवनदु एकवचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, वही अवलदु एकवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह इसका, इसकी, इसके, तो इसका, इसकी, इसके, तो कन्नड़ा में इवना एकवचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, वही इवला एकवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं।
तो वही इसका इसके इसके कन्नड़ा में इवना एकवचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, वही इवला एकवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो कोई भी चीज इसका है, इसकी है, इसके है, तो कन्नड़ा में इवन दु एकवचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, वही इवन दु एकवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो कोई भी चीज इसका है, इसकी है, इसके है, तो कन्नड़ा में इवन दु एकवचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, वही इवल दु एकवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो उनका उनकी उनके, तो उनका उनकी उनके, तो कन्नड़ा में अवरा का प्रयोग किया जाता है। तो वही कोई भी चीज उनका है, उनकी है या उनके हैं, उसको अवरदु का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी चीज उनका है, उनकी है, उनके हैं, उसको अवरदु का प्रयोग किया जाता है। तो इनका इनकी इनके, उसको कन्नड़ा में इवरा का प्रयोग किया जाता है। इनका इनकी इनके, उसको इवरा का प्रयोग किया जाता है। वही कोई भी चीज इनका है, इनकी है, इनके है, तो कन्नड़ा में इवरदु का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज इनका है, इनकी है, इनके है, उसको इवरदु का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह यदि आप प्रश्न पूछते समय आप पूछना चाहेंगे किसका है, किसकी है, किसके है, तो कन्नड़ा में यारा अथवा यारदु का प्रयोग होता है। तो यारा अथवा यारदु का प्रयोग होता है। तो यारा तो किसका है, किसकी है, किसके है, तब यारा का प्रयोग होता है। तो कोई भी चीज किसका है, कोई भी चीज किसकी है, कोई भी चीज किसके है, तब यारदु का प्रयोग होता है। सो अभी हम सीखते हैं कब नन्ना कब नन्नदु का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए मेरा घर है, तो मेरा नन्ना घर है मने, जब वाक्य का शुरुआत में जब मेरा का प्रयोग होता है तो इधर नन्ना का प्रयोग होता है। जैसा मेरा घर है तो नन्ना मने बोलते हैं, तो घर को मने, तो मेरा घर है नन्ना मने, वही आप बोलना चाह रहे हैं घर मेरा है। इधर मेरा वाक्य का अंत में आ रहा है, तब घर मने मेरा है नन्नदु, इधर नन्नदु का प्रयोग हो रहा है। तो मेरा घर है मने नन्नदु, मेरा घर है नन्ना मने, घर मेरा है मने नन्नदु। तो इधर जब वाक्य का शुरुआत में मेरा का प्रयोग होता है तब हम नन्ना का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वाक्य का शुरुआत में आप मेरा का प्रयोग कर रहे हैं तो नन्ना का प्रयोग करते हैं, वही वाक्य का अंत में यदि आप मेरा का प्रयोग कर रहे हैं तब नन्नदु का प्रयोग होता है। जैसे इधर मेरा घर है नन्ना मने, घर मेरा है मने नन्नदु, तो वही मेरा पेन है तो उसको नन्ना पेन्नु बोलते हैं। इधर मेरा नन्ना पेन है पेन्नु, तो मेरा पेन है नन्ना पेन्नु, वही पेन मेरा है तो इधर पेन्नु नन्नदु करके बोलते हैं। तो इधर भी जब मेरा का प्रयोग वाक्य का शुरुआत में कर रहे हैं तब इधर नन्ना का प्रयोग हो रहा है, वही इधर मेरा का प्रयोग वाक्य का अंत में प्रयोग कर रहे हैं तब इधर नन्नदु का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो कोई भी वाक्य में जब मेरा, तो इधर मेरा का प्रयोग हो रहा है तो इसलिए इधर नन्ना का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह वाक्य का शुरुआत में कोई भी इधर जो हम सीखे हैं तो ये सब चीज का प्रयोग होता है, तब नन्ना जैसे प्रयोग कर रहे हैं तब निन्ना का प्रयोग होता है, निम्मा अथवा तम्मा का प्रयोग होता है, नम्मा अवना अवला इवन इवला अवरा इवरा का प्रयोग होता है। वही वाक्य का अंत में यदि प्रयोग करना है, जैसे इधर आप बोल रहे हैं घर मेरा है तो इधर वाक्य का अंत में प्रयोग कर रहे हैं, जब वाक्य का अंत में प्रयोग करते हैं जैसे इधर घर मेरा है तो मने नन्नदु का प्रयोग हो रहा है, तो उसी तरह इधर नन्नदु निन्नदु निम्मदु अथवा तम्मदु नम्मदु अवनदु अवलदु इवनदु इवलदु अवरदु इवरदु का प्रयोग होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वाक्य का शुरुआत में जब हम मेरा अथवा कोई भी इधर हम जो लिखे हुए हैं ये सब चीज का प्रयोग होता है, तब वाक्य का शुरुआत में हम ये सब का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के अंत में यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तब हम ये सब का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूछेंगे यदि तुम्हारा नाम, तो तुम्हारा तो वाक्य का शुरुआत में है तो इसलिए इधर तुम्हारा निन्ना का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इधर तुम्हारा नाम क्या है निन्ना एसरेनु, वही आप पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है तो निम्मा अथवा तम्मा एसरेनु, वही हमारा नाम क्या है नम्मा एसरेनु, तो उसका नाम क्या है तो अवना अथवा अवला एसरेनु, वही इसका नाम क्या है इवना अथवा इवला एसरेनु, वही उनका नाम क्या है अवरा एसरेनु, इनका नाम क्या है इवरा एसरेनु करके बोलते हैं। यदि मेरा मेरी का प्रयोग वाक्य का अंत में होता है, जैसे इधर किताब मेरी है तो इधर किताब पहला आया है तो मेरी का प्रयोग बाद में हो रहा है, तो इसलिए इधर मेरी का प्रयोग नन्नदु करके कन्नड़ा में बोलते हैं। तो किताब मेरी है
तो पुस्तक नन्नदु, किताब को पुस्तक बोलते हैं, तो किताब मेरी है पुस्तक नन्नदु बोलते हैं। वही मेरा पेन है, तो इधर मेरा पहला प्रयोग कर रहा है, तो मेरा वाक्य का शुरुआत में प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए इधर मेरा पेन है तो उसको नन्ना पेन्नु बोलते हैं। वही पेन मेरा है तो इधर मेरा वाक्य का अंत में प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए इधर मेरा को नन्नदु का प्रयोग करते हैं। तो पेन मेरा है पेन्नु नन्नदु, इधर मेरा पेन है नन्ना पेन्नु, तो वही तुम्हारा पेन है तो निन्ना पेन्नु, आपका पेन है निम्मा अथवा थम्मा पेन्नु, हमारा पेन है नम्मा पेन्नु, उसका पेन है तो एकवचन पुल्लिंग में अवना पेन्नु, एकवचन स्त्रीलिंग में अवला पेन्नु, वही इसका पेन है तो एकवचन पुल्लिंग में इवना पेन्नु, तो एकवचन स्त्रीलिंग में इवला पेन्नु, वही उनका पेन है तो अवरा पेन्नु, तो इनका पेन है इवरा पेन्नु करके बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे पेन मेरा है तो पेन पेन्नु, मेरा है नन्नदु, तो पेन मेरा है पेन्नु नन्नदु बोलते हैं। वही इधर पेन तुम्हारा है तो पेन्नु निन्नदु, पेन आपका है पेन्नु निम्मदु अथवा तम्मदु, वही पेन हमारा है पेन्नु नम्मदु, वही पेन उसका है तो पेन्नु अवनदु एकवचन पुल्लिंग में बोलते हैं, वही पेन अवलदु एकवचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो वही पेन इसका है तो पेन इवनदु एकवचन पुल्लिंग में बोलते हैं, पेन इवलदु एकवचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो वही पेन उनका है पेन अवरदु, पेन इनका है पेन इवरदु करके बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, कोई भी वाक्य का शुरुआत में यदि प्रयोग कर रहा है मेरा मेरी मेरे, तब नन्ना का प्रयोग होता है। वही वाक्य का अंत में यदि प्रयोग कर रहा है तो नन्नदु का प्रयोग होता है। यही नन्ना नन्नदु में अंतर है। ये चीज आपको याद रखने से आप अच्छा से वाक्य बना सकते हैं। अभी कुछ और उदाहरण सीखते हैं। जैसा किताब मेरी है तो किताब मेरी है पुस्तक नन्नदु बोलते हैं, इधर मेरी है तो नन्नदु का प्रयोग कर रहे हैं, तो इधर मेरी वाक्य का अंत में आ रहा है तो इसलिए इधर नन्नदु बोलते हैं। तो किताब मेरी है पुस्तक नन्नदु, वही पैसे मेरे हैं, तो इधर मेरे तो वाक्य का अंत में आ रहा है तो इसलिए मेरे इधर नन्नदु करके बोलते हैं। तो पैसे उसको दुड्डू अथवा हणा बोलते हैं, तो कन्नड़ा में पैसे को दुड्डू अथवा हणा, तो पैसे मेरे हैं दुड्डू अथवा अणा नन्नदु करके बोलते हैं। तो पैसे मेरे हैं दुड्डू अथवा हणा नन्नदु। तब यह मेरा छोटा भाई है, बोल रहे यह मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई उसको कन्नड़ा में तम्मा बोलते हैं, तो वही बड़े भाई उसको अन्ना बोलते हैं, तो छोटा भाई को तम्मा, तो यह मेरा छोटा भाई है, तो इधर मेरा वाक्य के शुरुआत में आ रहा है तो इसलिए इधर नन्ना का प्रयोग होता है। इधर यह तो इवनु करके बोल रहे हैं क्योंकि छोटा भाई पुल्लिंग में है तो इसलिए इवनु का प्रयोग हो रहा है, तो यह को इवनु करके बोलते हैं। तो यह मेरा छोटा भाई है तो इवनु नन्ना तम्मा बोलते हैं, इधर नन्ना का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इधर मेरा वाक्य का शुरुआत में आ रहा है तो इसलिए इधर नन्ना का प्रयोग होता है। तो यह मेरा छोटा भाई है इवन नन्ना थम्मा, वही आप बोलना चाहेंगे यह मेरी छोटी बहन है तो इवलु नन्ना थंगी करके बोलते हैं। तो यह मेरी छोटी बहन है तो उसको इवलु नन्ना थंगी, इधर इवलु का प्रयोग हो रहा है तो यह को इवलु का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि छोटी बहन एक स्त्रीलिंग एकवचन में है तो इसलिए इधर इवलु का प्रयोग हो रहा है। तो यह मेरी छोटी बहन है तो इवलु नन्ना थंगी बोलते हैं। तो ये मेरे माता पिता है, तो ये मेरे माता पिता है, तो इधर ये इवरु का प्रयोग हो रहा है क्योंकि माता पिता तो बहुवचन में हो गए, तो माता पिता को हम आदर से संबोधित कर रहे हैं इसलिए इधर ये को इवरु करके बोलते हैं। तो ये मेरे इवरु नन्ना माता पिता हैं ताई तंदेरु करके बोलते हैं, तो माता को ताई पिता को तंदे बोलते हैं, तो माता पिता है ताई तंदेयरु, जब माता पिता है करके बोलते हैं इधर ताई तंदेयरु करके हम बोलते हैं, आदर से हम संबोधित कर रहे हैं तो इसलिए इधर माता पिता है उसको ताई तंदेयरु करके बोलते हैं। तो ये मेरे माता पिता है तो इवरु नन्ना ताई तंदेयरु करके बोलते हैं। तब वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं ये किसके माता पिता है, तो ये किसके माता पिता है, तो इधर ये इवरु किसके यारा माता पिता है ताई तंदेरु, तो ये किसके माता पिता है तो इवरु यारा ताई तंदेरु बोलते हैं। तो इधर किसके यारा का प्रयोग हो रहा है क्योंकि किसके वाक्य का शुरुआत में आ रहा है तो इसलिए इधर यारा का प्रयोग हो रहा है। तो ये किसके माता पिता है तो इवरु यारा ताई तंदेरु बोलते हैं। तो यदि उत्तर बोलना है तो ये मेरे माता पिता है
तो इवरु नन्ना ताई तंदेरु बोलते हैं। तो वही आप पूछना चाहेंगे, यह किसका छोटा भाई है? तो इधर किसका वाक्यों के शुरुआत में आ रहा है, तो इसलिए इधर किसका, तो कन्नड़ा में यारा करके प्रयोग करते हैं। तो यह इवनु किसका छोटा भाई है, यारा तम्मा। तो यह किसका छोटा भाई है, तो इवनु यारा तम्मा करके बोलते हैं। यदि आपको उत्तर देना है तो आप क्या बोलेंगे, यह मेरा छोटा भाई है, तो इवनु नन्ना तम्मा करके कन्नड़ा में बोलते हैं। तो यह मेरा छोटा भाई है, उसको इवनु नन्ना तम्मा। यदि आप पूछना चाह रहे हैं यह किसकी छोटी बहन है, तो ये किसकी छोटी बहन है, तो छोटी बहन उसको तंगी बोलते हैं। इधर किसकी, तो यारा, तो फिर किसकी वाक्य का शुरुआत में आ रहा है, तो इसलिए इधर यारा का प्रयोग हो रहा है। तो यह इधर इवलु, क्योंकि छोटी बहन स्त्रीलिंग एकवचन में है, तो इधर इवलु का प्रयोग कर रहा है। तो ये किसकी छोटी बहन है, तो कन्नड़ा में इवलु यारा तंगी करके पूछते हैं। यदि आप उत्तर देना चाहेंगे तो बोलेंगे ये मेरी छोटी बहन है, तो कन्नड़ा में इवलु नन्ना तंगी करके बोलते हैं। तो वही आप पूछना चाहेंगे पैसे किसके हैं, तो पैसे किसके हैं, तो पैसे उसको दुड्डू अथवा हना बोलते हैं, तो किसके हैं इधर यारद्दू करके बोलते हैं। इधर किसके यारद्दू का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पैसे के बाद किसके आ रहा है, मतलब किसके वाक्य का अंत में आ रहा है, तो इसलिए इधर किसके इधर यारद्दू का प्रयोग हो रहा है। तो इधर किसके, तो वाक्य का अंत शुरुआत में है, तो इसलिए इधर यारा का प्रयोग करते हैं। वही किसके इधर वाक्य का अंत में आ रहा है, तो इसलिए इधर यारद्दू का प्रयोग होता है। तो पैसे किसके हैं, दुड्डू अथवा हणा यारद्दू। तो यदि आप बोलना चाहेंगे उत्तर पैसे मेरे हैं, तो कन्नड़ा में दुड्डू अथवा हणा नन्नदू करके बोलते हैं। तो पैसे किसके हैं, दुड्डू अथवा हणा यारद्दू, वही आप उत्तर देना चाहेंगे पैसे मेरे हैं, तो बोलेंगे कन्नड़ा में दुड्डू अथवा हणा नन्नदू बोलते हैं। तो पैसे मेरे हैं, दुड्डू अथवा हणा नन्नदू। फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, अभी तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कब नन्ना नन्नदू का प्रयोग करना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।